पर भी खुश आमदीद कहती हूँ और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी और टॉपिक है डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के ऊपर कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑफ कोर्स पेशेंट की बात करूँगी कुछ लोग जैसे पहले से अपने आप को क्योर करना चाहते हैं कि अल्लाह ना करे हमें लग जाए और एहतियाते भी कि भी टेंशन ना ले ज़्यादा मीठा बहुत ज़्यादा नहीं अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो बड़ा काउंटेबल है लेट नाइट सोना डेली 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 रेगुलर आप जब बहुत लेट सोते हैं तीन तीन चार चार बजे तो आपके ऑर्गन जब उनका भी एक वर्किंग टाइम होता है जब आप सो जाते हैं तो उनका वर्किंग शुरू होता है इसीलिए कहते हैं सोने खाने के दो घंटे बाद सोना चाहिए क्योंकि कभी कभी फिर वो खाना जैसे पलटने लगता है एसिडिटी होती है तो हर ऑर्गन का काम है लेवर का काम है ब्लड बनाना फिर वो एक्टिव हो जाते हैं उनकी ड्यूरेशन वर्किंग शुरू हो जाती है दिल का काम क्या है वो भी ऑफ कोर्स पूरे खून को बनाना है आगे पीछे करना फिर स्टमक का है हर ऑर्गन का अक्सर लोगों को आपने देखा होगा खांसी जो है 3 बजे 2 बजे के बाद लग जाती है तो लंग्स का काम अलग है यूरिन का काम अलग है कहते हैं वो अलग हर सिस्टम चल रहा होता है हम कोई भी मिस्टेक करते हैं हमारे ऑर्गन हिट करते हैं आपको इंसोमिन जैसे नींद का एक टाइम हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी हम ज़बरदस्ती जागने की कोशिश करते हैं तो खुदा ने एक सिस्टम रखा है हम उसकी कायनात को जब छेड़ा छाड़ी करते हैं ना तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है खुदा ने रात बनाई है इसलिए कि हम थोड़ा रेस्ट करें 7 से 8 घंटे की नींद यू मस्ट बी रिक्वायर्ड योर बॉडी आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरी चाहिए होती है कि उसको थोड़ा रेस्ट मिले और हम उस दौरान जब उसको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसको वो प्रोवाइड नहीं करते तो वो फिर आखिर कर आपको तकलीफ देती है अब इन लोगों की बात करूँगी जो वाकई में पेशेंट हैं शुगर के अब उनको कैसे हैंडल किया जाए हम चलते हैं अपने ऑफ कोर्स में एक बार फिर वेलकम करती हूँ डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब को और अब बताएं डॉक्टर साहब जो कंफर्म पेशेंट है डायबिटीज़ के उनके लिए क्या रेमेडी है अच्छा देखें जो कंफर्म डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ऐसा है कि इसमें एक तो अच्छा दोनों चीज़ें वो वही प्लेट लेनी थी अच्छा दोनों चीज़ें उन्होंने यूज़ करनी है ठीक है एक तो खाने का पाउडर सफ़ूब बनेगा ठीक है दूसरा बनेगा इसके साथ कैवा ये कप उस साइड रख दीजिए अगर ये वाला ये कप हाँ उस साइड रख दें ताकि ये कैप्चर हो सके ठीक है तो ये आपने ये चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ एक तो इसमें लेनी है आपने जामुन की गुठली ठीक है जामन और ये तो बहुत इसके बड़े बेनिफिट जी जामन की गुठली ये आपने लेने हैं 50 ग्राम ठीक है दूसरी चीज इसमें लेने हैं आपने इंदर जो तलख जिसको कड़वे जो भी कहते हैं ठीक है कड़वे तो ये भी आपने लेना है 50 ग्राम और तीसरी चीज इसमें लेनी है आपने ये थोड़ी रेमेडी थोड़ी बड़ी है लेकिन प्रॉपर ये ट्रीटमेंट है बहुत अच्छी है ये मतलब ये जो रेमेडी अच्छा, है प्लेट में जो है वो भी ये भी इसी में ऐड होगी तो फिर ये मुझे ये कप भी दे दीजिए यस और वो वाली प्लेट जिसमें पनीर बूटी है वो भी दे दीजिए ताकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें ओके डन हो गया जी यस अब इसमें जो है ना मैंने आपको बताया जामुन की गुठली 50 ग्राम इंदर जो तलख 50 ग्राम कलौंजी 50 ग्राम ठीक है और गुड़ मार बूटी अच्छा कलौंजी का तो आपने सुना होगा कॉमन सी चीज है जो मौत के अलावा हर मर्ज के काम आता है ठीक है तो ये आपने 50 ग्राम फिर ये गुड़ मार बूटी इसका नाम ही गुड़ मार बूटी है अच्छा है, पत्ते है? नहीं सख्त है नहीं नहीं पत्ते हैं ये अच्छा देखो यार पत्ते हैं ठीक है गुड़ मार बूटी कड़वी होती है ये भी तो गुड़ मार बूटी ये भी लेने आपने 50 ग्राम फिर इसके अलावा इसमें नीम के पत्ते ठीक है वही रखे उठाए नहीं उठाए अच्छा अच्छा नीम के पत्ते ये जो है ना अब बाजों का जो है ना मौसम में काफी मौसम के लिहाज से खिले हुए आते हैं बाजों का बिल्कुल जो है ना ये इसके कलर ही बेचारे गोरे आते हैं तो ये अभी जिस मौसम के लिहाज से आया तो मैंने लिया तो ये 50 ग्राम आपने नीम के पत्ते भी लेने हैं और ये है तुख्मे सिरस सिरस ठीक है इसको शरीं भी कहते हैं पंजाबी में इसको शरीं के बीज भी कहते हैं ठीक है तो ये तुख्मे सिरस भी आपने लेना है 50 ग्राम और इसके अलावा ये तो हो गया आपका शुगर लेवल करने के लिए बेहतरीन ये सारी चीजों को 50-50 ग्राम लेके 1 चम्मच सुबह निहार मुंह और 1 चम्मच आपने शाम को असर के बाद मुंह में डाल के 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी पढ़ के ऊपर से आपने सादा पानी पीना है इसको आपने कंटिन्यू इसको 40 डेज तक यूज कर सकते हैं आप फिर उसके बाद जो है ना आप इसको बीच में जो है 10 दिन का गैप देके फिर आप मजीद कंटिन्यू पक्की आप पानी से ले सकते हैं पानी से लेना और ये टाइम और क्या इसकी बेस्ट खाने के बाद बताना चाह रहा हूँ सुबह नाश्ते से पहले अच्छा निहार मुंह हो गया निहार मुंह ठीक है और शाम, और शाम को असर के बाद वो भी एक किस्म का निहार मुंह ही होता है ओके ओके ठीक है ठीक तो ये 2 टाइम आप लोगों ने लेना है ठीक है 1-1 चम्मच सादे पानी के साथ और अगर इसी के साथ शुगर के साथ वीकनेस भी हो जाती है या जिनका कुव्वत-ए-मुदाफियत कमजोर हो रहा होता है तो उसके लिए ये आपका
बर्गे खादिंग ओके ठीक है। ये बर्गे खादिंग ये आता है बाहर से, ये जैसे अरब ममालिक से आता है, ठीक है। तो ये आपने 20 से 40 ग्राम तक डाल सकते हैं, ठीक है ठीक है, इसी में ऐड कर लिया। बाकी चीजें इतनी कॉस्टली नहीं है, सस्ती हैं। अच्छा, ये चीज थोड़ी कॉस्टली, इसलिए मैंने इसको साइड पे किया। मैंने कहा अगर सिर्फ शुगर कंट्रोल करने के लिए, इसका मैं ये कहूंगी कि अगर आप जो इन्होंने तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हर चीज ओपनली बता दी, आप चाहे तो घर में बना लें या तो फिर ऑफकोर्स डॉक्टर सबके पास जाना पड़ेगा आपको, करना होगा, ठीक है। ये शुगर के साथ साथ आपकी जो कुव्वत मुदाफियत कमजोर हो जाती है, या जिनको जोड़ों में दर्द हो रहा हो, हाथ पैर जल रहे हो, ठीक है, अंदरूनी तौर पर वीकनेस हो रही हो शुगर की वजह से, ठीक है, तो ये उसको कवर करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपने इसके अंदर 20 से 40 ग्राम तक डाल सकते हैं, ठीक है। सारी चीजों को ग्राइंड करके एक चम्मच सुबह निहार में और एक चम्मच शाम को असर के बाद, ठीक है, मुंह में डाल के 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी पढ़कर आपने ऊपर से सादा पानी पी लेना है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है जिसमें जैसे कलवंजी है, बकौल और जौ, कड़वे जौ है, कुछ चीजें जो है ना वो ना सिर्फ आपकी बीमारी को दूर करती है बल्कि एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। मैं चाहूंगी कि आप मुझे ना ये शुगर से तो हम क्योर हो रहे हैं, बिल्कुल, और ये हम उन पर्सन को कह रहे हैं जिसको कंफर्म शुगर है हर तरह का है, ब्लड के अंदर है या हड्डियों में, लेकिन इसके मजीद और क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि यार इसको लेने से ये मसले भी हल हो जाएंगे। देखिए, आपका जो ये जामन के बीज है ना, ये आपका स्टमक में अगर पेट में किन के कीड़े हों जिनके, अच्छा ठीक है, उस पे भी काम करता है, ठीक है, आपका स्टमक भी साफ करता है, ओके जी। और फिर ये तुख में सिरस बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सप्लाई करते हैं, ये उनको भी एक्टिव करता है, जबरदस्त, मिसाल के तौर पे थायराइड ग्लैंड, अच्छा ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये और साथ में सौंठ दोनों को पीस कर इस्तेमाल करें, हाइपर थायराइड हो या हाइपो दोनों पे वर्क करता है। थायराइड का प्रॉब्लम अक्सर लोगों को होता है जिसकी जब बच्चे भी, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। तो नीम के पत्तों को तो आपको पता है, ठीक है, कितने इसके बेनिफिट्स हैं, खून साफ करता है, ठीक है, कलर भी फेयर करता है। लोग तो इसको पाउडर बना के लोग ना वो दही में मिला के लगा रहे हैं इसका पाउडर वगैरह, लेकिन स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद इमरान साहब और माशाल्लाह आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज पर, और अगर आपके दरमियान माशाल्लाह भी बहुत सारे लोगों ने कॉल की, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉल ज़्यादा से ज़्यादा लें, अभी भी कॉल आ रही थी, गुफ्तगू चल रही होती है तो उसमें हम लोग इंटरप्शन नहीं करते। अच्छा, ख़वातीन में शुगर हो जाता है ऑफ कोर्स, हमारे दरमियान कॉलर हैं गुलनाज फ्रॉम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सभी, कैसी हैं आप? मेरी बहन, आपकी दुआएं, कहाँ से कॉल की आपने? वाइट में निशान है मेरे हाथ में हो गए, पहले ही फोन किया था, उम्र कितनी है आपकी? 54 जी। आपको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह, बीपी पेशेंट? जी हाँ, बीपी हाई रहता है, मेडिसिन खाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई हार्ट का प्रॉब्लम? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा, किस इससे पहले कहीं ट्रीटमेंट करवाई थी आपने सिस्टर? नहीं, 15 साल पहले मेरे आँख के पास होता छोटा सा, तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर गौहर को, स्किन को, तो उन्होंने दवाई दी थी, मिशन थी, उससे लगा शुगर खत्म हो गई। 15-16 साल हो गए, अभी यहाँ बाजू में हुआ है, 2-3 छोटे छोटे से स्पॉट पड़े हैं। अभी कितने स्पॉट्स हैं आपके हाथ पर? कितना जगह मुतासर हाथ में? अभी तो 1-2-3 है। बाजू, यानी कि बाजू पर है या हाथ पर है? नहीं, बीच में, कल अंदर ऊपर है, बीच में कलाई के इधर कोने जागे ऐसे होंगे फिर मेरे, अभी तो आपको नजर भी है। अच्छा ठीक है, कोनी वो जो बाजू के आपके बाजू के ऊपर है ना? कितना अरसा हो गया? जी, कितना टाइम हो गया? अभी दोबारा हुई है तो ये अचानक नजर पड़ी, 25 दिन पहले नहीं, कैसे होने वाली थी? अच्छा, 1 महीना पहले ही हुआ है। कम से कम अभी कितने स्पॉट्स हैं? 8-10 स्पॉट्स हैं या? अल्लाह ना करे, 1-2-4 महीना पहले हुए तो ये थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाता। अच्छा ठीक है, ज्यादा टाइम हो जाए तो चले जाने, बड़ी उम्मीद रखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये अगर 1-2 ऐसे तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अच्छा सुने, अब ऑन एयर सुनिएगा, होल्ड पे रहिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपने लेना है सबसे पहले तो एक बीज आते हैं, बापची नाम है उसका, ठीक है, वो लेना है आपने 50 ग्राम। दूसरी चीज आपने लेनी है इसमें चाशकू। अच्छा, इनको आवाज, एक मिनट आप जरा गौर से सुने, पेन पेपर रखें और वो कुछ बता रहे हैं, बड़ा मुश्किल नाम है, लेकिन अगर परेशान ना हो, ये रात को 12 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है, देख सकती हैं, और यूट्यूब पे गुड मॉर्निंग विद सभी में आप जाए, फेसबुक पे तो आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें, रिलैक्स होके जो है ना लिखें जो ये बता रहे हैं, ठीक है, दोबारा ये बोल रहे हैं, आप दोबारा सुन लीजिए जी इमरान साहब। अच्छा, इसमें लेने आपने एक ब्लैक कलर के दाने आते हैं जिसका नाम है बापची, आपने 50 ग्राम लेना है, ठीक है।
और दूसरी चीज इसमें लेनी है आपने तुखमे पनवाड़, तुखमे पनवाड़, पनवाड़ तुखम माने बीज, पनवाड़ के बीज, ठीक है जी, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। और तीसरी चीज इसमें लेनी है आपने चासकू, काले दाने होते हैं, शाइनिंग वाले होते हैं, बापची और ये दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन बापची में शाइन नहीं होती, इसमें शाइन होती है, ठीक है, तो ये भी आपने लेना, बापची के बाद तुखमे पनवाड़ है यानी पनवाड़ के बीच, और तीसरी चीज इसमें है चासकू, हजारे के लोग जो है ना वो अच्छी तरह समझ जाएंगे चासकू, ठीक है, चासकू, चासकू जी, और पश्तो में इसको कहते हैं साखकू, पश्तो में साखकू कहते हैं इसको, ठीक है। और फिर चौथी चीज इसमें लेनी है आपने हरमल, जिसकी दुनी भी देते हैं, अच्छा, काला दाना भी कहते हैं उसको, ठीक है, और पश्तो में इसको स्पिलेने कहते हैं, ठीक है, और फारसी में इसको स्पंद कहते हैं, कितने नाम बताऊं। तो ये सारी चीजों को 50-50 ग्राम लेके एक चम्मच सुबह निहार मुंह, हम वजन लेनी है, आप लाजमी नहीं कि 50 ग्राम ले लें, 25 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, ठीक है, अपने हिसाब से बनवा लेना। आपने इसको तकरीबन एक महीना इस्तेमाल करें, देखें कि कितना फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत अगर कसर रह गई हो तो मजीद यूज कर सकते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं इसके। एक चम्मच चाय वाला 1 टीस्पून सुबह निहार मुंह लेना है और शाम को इसी तरह असर के बाद लेना है, ठीक है, 2 टाइम लेना है सादे पानी के साथ। तुर्श चीजें नहीं खानी है, खट्टी चीजें नहीं खानी है आपने, ठीक है, और तेज मसाला ये नहीं खाना। थैंक यू सो मच मेरी बहन, शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा जी, इस तरह बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं और बात ये करेंगे कि कुछ लोगों को, अभी ये तो हम लोग शुगर पर बात करें, बुखार की बात करें, कोई कोविड रेमेडी बता रहे थे कुछ, जी बिल्कुल, डेंगू पे, डेंगू पे बात, अच्छा बहुत ज्यादा लोग इससे भी जो है ना, लोगों की डेथ भी हो रही है, और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है तो डेंगू उससे बर्दाश्त ही नहीं होता, ब्लड में सराइयत हो जाती है, तो जिस तरह ब्लड कम होने शुरू हो जाते हैं, व्हाइट सेल, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आपके व्हाइट सेल कम हो जाते हैं और रेड सेल की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब इसके बारे में जो है डॉक्टर इमरान साहब बताएंगे, जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं। देखें इसमें तो आपने सबसे पहले तो प्लेटलेट्स को ध्यान रख देना है, ठीक है, कि आपको अगर बुखार है तो आप उसको इजी ना लें, ठीक है, आजकल के जैसे आजकल जो है ना डेंगू का बुखार चल रहा है तो बाज़ों का जो है ना किसी को डेंगू हुआ है तो वो एक आम बुखार समझ के वो पैनाडोल ले रहे हैं यूज़ कर, लेकिन उसको आप किसी डॉक्टर को पहले जाके चेकअप करवाएं कि आए कोई डेंगू तो नहीं है, इसका टेस्ट करवा लें, तो डेंगू अगर पॉजिटिव आ जाता है फिर उसके बाद जो है ना ऐसा है कि मैं हर्बल की कुछ एक रेमेडीज बता देता हूँ वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स अगर आपके डाउन हो रहे हों तो उसके लिए भी जो है आप वैसे तो पपीते के पत्ते आजकल चल रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते बहुत हैं, फर्क पड़ता है, बहुत 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 तेज़ी से इंक्रीज़ करता है ये, ठीक है, और आपके एप्पल जूस, ठीक है, अनार का जूस है, ठीक है, यानी जूसेस का इस्तेमाल, जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जूसेस वगैरह, इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें जी, और इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसमें पानी का जो है ना बहुत कमी हो जाती है लोगों को, इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और कोशिश करें कि अगर किसी एक को डेंगू हुआ है, ठीक है, तो वो अपने घर में मच्छरों का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर आम मच्छर भी आके उस डेंगू के मरीज को काटेगा, वही मच्छर अगर दूसरे को काटेगा उसको भी डेंगू हो जाएगा। ओह माय गॉड, जी लाजमी नहीं कि डेंगू का अगर आपको मच्छर है डेंगू। अच्छा भाई, दरमियान कॉलर है, इजाजत है आपके लिए कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अफशा फ्रॉम सरजानी जी। क्या पूछना है अफशा आपने? मुझे ये पूछना है कि मेरा बेटा है 5 साल का, ओके, तो उनका यानी कि मोटे नहीं हो पाते, कमजोर से ही है मतलब, वो तो स्मार्ट ही रहते हैं, तो इसके लिए अगर कुछ वो बता दें। अफशा आप खुद हेल्दी हैं, मोटी हैं? नहीं मैं नॉर्मली हूँ। मुझे आपकी आवाज से अंदाजा हो गया था, पतली दुबली नॉर्मल सी बंदी। अच्छा आपके बच्चे कितने कितनी उम्र के हैं? बेटी है मेरी माशाल्लाह 12 साल की हो गई, और जो बेटा है मेरा 9 साल का है और ये 5 साल के हैं। अच्छा सब कमजोर है, पतले पतले हैं? नहीं माशाल्लाह 2 बच्चे तो मेरे मोटे रहे, लेकिन जब ये होने वाले थे तो मुझे मलेरिया हो गया, तो उसकी वजह से शायद दवाइयाँ ज्यादा खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अपने दिमाग में ऐसी बातें ना, कौन सा बच्चा कमजोर है, बच्ची कमजोर है, कौन कमजोर है? बस ये सबसे छोटे वाले थे। उम्र कितनी है? 5 साल। लेकिन इसके ऊपर हम कोई टोटका नहीं बताएंगे, नहीं मैं कंपनी का बता देता हूँ। चले जी हम आपको आने जवाब देते हैं। इनके बाबा भी कमजोर है?
स्मार्ट से नहीं माशाल्लाह सब सही सब हेल्दी है बस हो गया चलो खैर खा कोई मसला नहीं टेंशन नहीं लो अभी हम उसको ऑन एयर जवाब देते हैं ठीक है टेलीविजन देखिए जी इमरान साहब इस 5 साल के बच्चे के लिए आप क्या बताएं देखिए इसमें टोटके न किया करें कभी भी किसी अच्छे आप जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो उनको जाके दिखाया करें इनके ऊपर टोटके ना करें ठीक है इससे बेहतर ये है कि वैसे तो मैं एक आपको कंपनी की बता देता हूँ अगर इजाजत हो तो नहीं नहीं बता दें क्या बच्चे को क्या देना सदाबहार सिरप आता है अच्छा सदाबहार कृषि वालों का ठीक ठीक बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छी है वो ठीक है भूख वगैरह नहीं लगती हो या हेल्दी नहीं है कमजोर हैं ठीक है हड्डियां कमजोर हैं तो उसके लिए बेस्ट है वो ठीक है तो वो आपने जो है ना उम्र के लिहाज से उस पे लिखा हुआ भी होगा ठीक है उसी हिसाब से देना चलें अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत दे हमारी कोशिश होती है हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं तो आपके मसले किसी तरह के सॉल्व हो जाएं और कोशिश करें लेकिन बच्चे के ऊपर जरा सा तवज्जो यूं दें कि हम लोग जब स्कूल से लेकर आ रहे होते हैं तो मम्मा मुझे आइसक्रीम खिला दो फ्रेंच फ्राइज खिला दो और आते हुए उसने जी कुछ चिप्स खा लिए कुछ तो वो घर जाके कुछ भी नहीं खाता तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू उसको लगनी होती है वो मिलती नहीं है रात को लेट नाइट सो रहा है अब आप उसके सुबह में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है सुबह का नाश्ता खुद भी अर्ली इन द मॉर्निंग उठें और बच्चे को वो चीज़ दें जो उसको ज़रा पसंद है लाइक कुछ बॉइल्ड आलू का पराठा बना दें उसके अंदर चिकन डाल दें लाइक जी 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 बिल्कुल अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिनके बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं ना हाँ। तो उनकी भी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है कलर उनका डिम हो रहा होता है ठीक है तो ये भी आप किसी डॉक्टर को पहले दिखा दें अगर कीड़े हैं तो फिर कीड़ों की ट्रीटमेंट करें बिल्कुल अच्छा मेरे पास ऑफ कोर्स अंदर से ही एमसीआर से मैसेजेस आ रहे हैं और सवाल आ रहे हैं 40 यानी कि 40 साल बंदे की उम्र है और मैं सही कह रही हूँ शहजाद भाई देख लीजिएगा 40 साल उम्र है और उसके घुटनों में दर्द है ठीक है क्योंकि जब आप बात कर रहे थे तो कॉल्स आ रही थी तो मुझे मैसेज आ गए इसका आंसर आप दीजिएगा सर अच्छा शुगर या ब्लड प्रेशर का मेंशन किया था उन्होंने अच्छा नहीं है उनको नहीं है तो उन्होंने शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है ठीक है तो इनके लिए 40 साल एज इनकी एक तो असगन नागोरी आती है एक लकड़ी आती है जिसको अश्वगंधा भी कहते हैं ठीक है अच्छा ठीक अश्वगंधा भी कहते हैं ठीक है 50 ग्राम आपने लेने हैं और सूखे हुए सिंगाड़ा खुश्क ठीक है ये भी 50 ग्राम लेना है और सफ़ेद मूसली इंडियन ये भी 50 ग्राम लेनी है और 20 ग्राम इसके अंदर आपने सुरन जान शीरी ये डालना है ठीक है तो इन सारी चीज़ों को पीस कर एक चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और एक चम्मच शाम को असर के बाद एक कप दूध या पानी से लेना है ठीक है दूध ना हो तो पानी से भी ले सकते हैं ठीक है तो ये इस्तेमाल करें आप इसको आप पूरा 40 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं आपका विटामिन डी भी इसमें भरपूर है अच्छा ठीक है अच्छा साथ साथ हम लोग ऑफ कोर्स शुगर के बारे में बात करें अगर बच्चों को शुगर हो जाए तो ये क्या होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं बच्चों की उम्र के लिहाज आफ्टर टेन जो है फिर वो जो मैंने आपको बताया ना ये पनीर और चरायता अच्छा चरायता एंड पनीर अच्छा अभी बैठे बैठे ना आप मैं नाज़िन में बड़ी लाइव बंदी हूँ अब मैं उठ ये देख रहे थे मुझे डॉक्टर साहब और मुझे जरा अच्छा मुझे एक बात है मुझे इतना कड़वा क्यों नहीं लगता ये क्या रीज़न है कड़वा वैसे तो बहुत कड़वा बहुत कड़वा जी मैं तो इसकी स्टिक थोड़ी सी तोड़ी उसको चबा के खा लिया अच्छा मैं अक्सर करेला काटते काटते ना मेरे घर में 2-3 दाने उसको ना मैं खा चुकी होती हूँ जी जी मुझे कभी फील इतना होता नहीं ये कोई बैड वो तो नहीं कुछ भी नहीं है इसमें कुछ लोग बड़ा वो फील करते हैं कड़वा खा रहे हो और उसको बोले यार मुझे बहुत जबान मेरी खराब हो ये कोई बड़ा इशू नहीं है बात हो जाती है कि बुखार में भी होता है जिनको हड्डियों का बुखार रहता है उनके साथ भी ये होता है अच्छा लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं है हड्डियों का कभी नहीं तो कोई इशू नहीं है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये टेस्ट कड़वा और वो एक मैं बड़ी एक कड़वाट बहुत पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है ना मैं खास तौर पे ये जो नहीं चिरायता पूरा पी अगर आम बंदा पिए बहुत कड़वी होती है अच्छा आम बंदा पिए तो वो तो वोमिट कर ले मुझे नहीं होता मैं पी लेता हूँ और मैं भी कितनी ऐसी चीज़ें नीम के पत्ते हैं नीम के पत्तों का पानी बना के पी लिया एक आदत सी हुई है ना अच्छा नहीं मुझे इसके वो पसंद है कि इसके इफेक्ट्स अच्छे भी हैं बिल्कुल अब वो जैसे वो जो होते हैं वो मोंगरे जो मूली के छोटे छोटे होते हैं उसको वो उनका टेस्ट बड़ा इस्तेमाल वैसे भी अच्छा है बॉडी के लिए ठीक है आपको जो है ना ये शुगर लेवल के अलावा आपके जो है ना ब्लड है आप जितनी भी ब्लड प्योर करने वाली मेडिसिन लोगे वो सारी कड़वी होती है हर्बल में जितनी भी आप ये देखिए कितनी कड़वी है उसकी उम्र क्या है अच्छा एक कॉलर की हम 35 साल एक बंदी की उम्र है कि माड़ी से कॉल आई है और उनका जो दिमागी तौर पर थोड़ा तवाजन ठीक नहीं है या वीक है अच्छा दिमाग की कमजोरी दिमागी कमजोरी है तो उम्र कितनी 35 साल लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है और मजीद कुछ भी नहीं कोई बीमारी नहीं है तो आप उनको मगज़ बादाम
अच्छा सौंफ ओके दक्षिणी मिर्च बरहमी बूटी ऐसी है कि जिनके याददाश्त वगैरह याददाश्त जिनकी अगर कमज़ोर हो उसके लिए बहुत अच्छी है यानी दिमाग को तकवीत देता है ठीक है। तो आपने बरहमी बूटी और अगर शुगर नहीं है तो इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं और कलौंजी भी डालनी है ठीक है। ये आपके दिमाग के लिए और नज़र के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है और ये 10 साल के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है। 10 साल से लेके 50 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है नज़र के लिए दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। ये ऐसे ऐसा नुस्खा ही है कि काफ़ी लोगों का ये मुसलसल इस्तेमाल एक साल में चश्मे उतरे एक बार फिर बता दें चश्मे लगे चश्मे उतरेंगे इसको बोलते हैं ऐनक तोल नुस्खा। एक बार फिर ऐनक तोल नुस्खा ये तो बहुत कीमती है दोबारा बता दीजिए क्या क्या चीजें मैं भी नोट कर रही हूँ। सौंफ 50 ग्राम 50 ग्राम सौंफ और चार मगज 50 उसने मैंने नहीं बताया चार मगज अभी चार मगज ही बताया चार मगज सौंफ 50 ग्राम चार मगज 50 ग्राम मगज बादाम 50 ग्राम कलौंजी 50 ग्राम बरहमी बूटी 50 ग्राम और कलौंजी 50 ग्राम मिश्री 50 ग्राम अच्छा दक्षिणी मिर्च इसमें कम रखनी है आपने 10 ग्राम ठीक है। ये मैंने एंड में बता दिया आपको दक्षिणी मिर्च ये सारी चीजें आपने नोट कर ली एंड में मैंने दक्षिणी मिर्च भी बता दी 10 ग्राम ओके क्योंकि बाद बच्चे खा भी नहीं सकते बहुत मिर्चें लग रही होती हैं अच्छा। और मैदे में जलन भी हो जाती है सीने में जलन हो जाती है। इस पाउडर को अगर हम थोड़ा शहद में मिला के और अच्छा, बन और अच्छा अगर कुछ लोग वैसे नहीं खा सकते तो शहद भी मिला सकते हैं ठीक है। जिनको शुगर नहीं है तो फिर वो तो जी जी वरना मिश्री डाल रहे हैं ना हाँ ये भी मीठा तो वैसे ही मौजूद है डाल रहे हैं ठीक है। तो एक चाय का चम्मच सुबह और शाम दो टाइम लेना 10 साल के बच्चे हैं तो आधी चम्मच सुबह शाम और 10 साल से जैसे 10 से 15 साल 15 साल के बाद एक चम्मच अच्छा ये दूध के साथ लेना एक कप दूध से ले लें बेहतर है और मेरे ख्याल में सुबह में वरना पानी से भी ले सकते हैं सुबह निहार मुँह और शाम को असर के बाद यार इसका बड़ा ये टाइम जो होता है ना ये बहुत अच्छा होता है इसमें एक तो गारंटी वारंटी एक महीने तक खाते रहे जी नहीं गारंटी तो शिफा मिन जाने बल्ला व इजा मरीज तो फहु यशफी जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा अल्लाह देता है फर्क पड़ेगा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इस उम्मीद से खाएंगे ना कि मुझे फर्क पड़ेगा तो अल्लाह ताला ये आपने मुझे एसएमएस करने ये जो आपने नाम क्योंकि काफी दो तीन टिपिकल है जब मैं पंसारी के पास जाऊंगी जी जी और अगर आपके पास ये प्रोडक्ट बनी हुई है तो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे लेकर आइएगा मुझे बहुत मुश्किल लगेगा जाऊंगी बनवाऊंगी पता नहीं वो दो नंबर ही ना कर दे चार मगज की जब 5 मगज डाल दिए तो मेरा दिमाग एक्स्ट्रा चल अच्छा चारों मगज में ख्याल रखना आपने बाजों का मिक्स मगज लेते हो ना तो उसमें दो ही मगज होते हैं चार नहीं होते हैं ऐसा भी होता है पर सारे हमारा मगज चलता है आपने लेना है उसमें मगज़े तरबूज अच्छा मगज़े कद्दू अच्छा मगज़े खरबूजा और मगज़े खीरा ओके ये चारों मगज मिल के 4 मगज बनते हैं ठीक है। पांचवा मेरा मगज डाल अच्छा आपका मेरा भी ये इस्तेमाल कीजिए ज्यादा होगा ये बताएं आपके पास यू हैव ऑलमोस्ट की ये बनी हुई आपके पास होती है मिल जाती है अच्छा सब कुछ बन जाता है नेक्स्ट टाइम आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भाई हैं ना मेरे लिख रहे मेरा दिमाग बहुत कमजोर हो गया है तो मैं चाहती हूँ मेरे अच्छा आईसेट पे बड़ा फर्क पड़ा अच्छा वो मैंने वो मुरब्बे शुरबे नहीं लाए वरना उस पर सबकी नजर पड़ जाती यार अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां हाँ, खोल रहा था ना ये सारी सारी सारे पैकेट खोल रहा था तो सबसे पहले जो जुमला आपका यही था वो बादाम शदाम नहीं मैंने कहा यार ये क्या पत्ते बूटे और ये लकड़ियां ले आए आपने कहा बादाम वगैरह होने चाहिए आपने कहा कोई बादाम निकालो कोई पिस्ते निकालो वैसे वो आते हैं हमारे बड़े अच्छे हैं ईसा भाई शाह नजीर साहब वो कुछ ना कुछ मैं कहती यार ये हमारी रानी आपको कोई फ्रूट ले मैंने कहा यार ये आप अच्छा कर रहे हैं कोई पपीता खा ले कुछ आड़ू वगैरह वैसे सुबह सुबह सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है जो हमारे आंतों को रिलैक्स करे हमारे मैदे को कुछ फ्रूट्स निहार मुंह नहीं खाने होते कुछ खाने होते एप्पल एप्पल एक गिलास दूध के साथ एक अदद एप्पल गोल्डन सेब ओके हर जगह दस्तयाब है ओके अच्छा उसमें मैंने देखा कि कहते हैं आड़ू भी कॉन्स्टिपेशन और बल्कि कहते हैं बहुत ब्लड के लिए बहुत अच्छा निहार मुंह खाना चाहिए सीजन के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन के लिए तो वैसे पपीता ओके और अमरूद अमरूद जी यार अमरूद आजकल बहुत ज्यादा लेकिन ये खाली पेट खाने वाले नहीं है ठीक है ये पपीता हो गया अमरूद हो गया ठीक है ओके ये खाने के यही मैं पूछना चाह रही थी ये वाले फ्रूट जो है ना ये दो फ्रूट जो है ये खाने के बाद खाएं ओके बाकी तमाम फ्रूट्स तो असल तरीके ही है कि आप फ्रूट्स कोई भी खाएं तो खाली पेट खाएं खाने से पहले खाएं हमारे यहाँ तो उल्टा किया हुआ है खाना खाया उसके बाद फ्रूट यार रियली ये हम लोगों का वाकई में शुरू से जबकि खाने के फ्रूट का असल टाइम और असल टाइम जो है ना ये दिन का ही होता है सुबह से लेके शाम तक उसके बाद जो है ना फ्रूट खाना अच्छा अगर खाने के आधे घंटे बाद फ्रूट खाया जाए तो दैट्स गुड
खाने के आधे घंटे बाद, नहीं तो पहले उस खाने को तो हजम होने दें। कम से कम कितना ड्यूरेशन चाहिए? एक घंटे के बाद मैक्सिमम, एक तक उसका एक जी। और अगर खाने से पहले ले लें वो सबसे बेस्ट है। लेकिन हमारी तलब भूख की हो रही थी, हम फ्रूट्स दिल ही नहीं कर रहे, यानी कि आपके आंतों को वो जो है ना नरम कर देती है, फिर जो आप गिजा खाते हैं ना वो आपका जुजो बदन बनता है। क्या बात है जी। नाजिन हमारे साथ ही रहेंगे, हम लोग किचन की तरफ चलते हैं, लेकिन आपके आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपको फिर भी किचन के उसमें भी ज्वाइन करते हैं। अगर आपकी कोई कॉल आएगी तो देन ट्रांसफर टू हियर, तो आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर हमें ज्वाइन किया। नाजिन हमारे साथ ही रहेंगे, किचन सेगमेंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर रहेंगे छोटी सी ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग।